और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वही बनाएंगे। उस तरफ बैठे हुए लोगों से कभी सुनने को मिला नहीं है कि इस देश में कोई चाफे कर बंधु भी हुआ करते थे जिनकी शहादत थी आजादी में। इनके मुंह से सुनने को नहीं मिला है कभी सावरकर जी भी थे जो काला पानी की सजा भुगत रहे थे तब देश आजाद हुआ है। उनके मुंह से कभी सुनने को नहीं मिल रहा है कोई भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद भी थे कि जिन्होंने देश के लिए बलि चढ़ाया। जो कि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, क्या बताए आज क्या हमारे दिल में है। अटल जी ने कहा था कि वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। सबको मालूम है कि आने वाला समय, आने वाला दिशा क्या होने जा रही है। यह हिंदुत्व की सदी है और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं दुनिया की सदी होगी। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ भगवा झंडा दुनिया के अंदर कोने कोने में लहराएगा।